Good morning, students. Welcome to class 12, Macroeconomics. Today we are going to start our chapter Foreign Exchange Rate. बेटा हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है Foreign Exchange Rate. कल हमने इस यूनिट का चैप्टर पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट कल हमारा कंप्लीट हो गया था. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर होगा हमारा फॉरन एक्सचेंज रेट. नाम से ही कुछ सजेस्ट हो रहा होगा फॉरन एक्सचेंज रेट. फॉरन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी है ना, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज. अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमारी ही करेंसी यूज होती है. बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक द ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस करने जाते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. जब जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो क्या फॉरेन कंट्री हमारी करेंसी यूज कर लेगी, हमारी करेंसी एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी. It demands, the particular country demands its own currency. Payment for receipts in own currency. वो अपनी खुद की करेंसी में डिमांड करते हैं. तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी को यानी हमें अपने इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग. तो वही है हमारे पास. फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आएगा फॉरेन करेंसीज, सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड. इश्यूड बाय foreign corporates and government. Foreign corporate body या foreign government जो भी securities या जो भी bonds issue करती है वो सब भी foreign exchange के अंदर include होगा. तो foreign exchange includes foreign currencies, foreign currency आएंगी foreign exchange के अंदर, और securities and bonds issued by foreign corporates and government. वो सभी bonds, वो सभी securities जो foreign corporate या foreign government issue करती है. नाउ ये तो था हमारा फॉरेन एक्सचेंज. बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की. फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज हमने देख लिया फॉरेन करेंसी होगा या सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होगा जो फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कॉर्पोरेट इशू करेंगे. बट व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है बेटा? जब भी हम अपनी करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज कराने के लिए जाएंगे तो रेट तो डिटरमाइन होगा ना, है ना, कितनी करेंसी के बदले हमें कितनी दूसरी कंट्री की करेंसी मिलेगी, है ना. सपोज अगर मार्केट से हम कुछ खरीदने भी जाते हैं और हम 50 रुपए लेकर गए हैं तो हम वो भी तो डिपेंड करते हैं ना. 50 रुपए में हम 50 रुपीज देंगे और वो हमें कितनी क्वांटिटी देंगे, तो कितने के बदले में कितना मिलेगा द रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज्ड विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. जब हम करेंसी एक्सचेंज करने की बात करेंगे कि हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ, तो किस रेट पर करेंगे कि हमें अपनी कंट्री की कितनी करेंसी देनी पड़ेगी उस कंट्री की एक करेंसी को लेने के लिए, तो वो जो रेट होगा तो वो क्या होगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट. सपोज अगर हमें मानकर चले $1 इज इक्वल्स टू ₹50, $1 के बदले में हमें 50 रुपए देने पड़ते हैं, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी? ₹1 इज इक्वल टू 1/$50. तो जो रेट निकल कर आएगा द रेट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो वो रेट जिस रेट पर एक करेंसी की कंट्री एक्सचेंज होती है विद द करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ. हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड
टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को खरीदने के लिए हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी की कितनी यूनिट देनी पड़ेगी। अगर हमें डॉलर एक डॉलर खरीदना है तो हमें अपनी इंडियन करेंसी कितनी देनी पड़ेगी, हमें अपने 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, हमें अपने 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो इट शोज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? डोमेस्टिक करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम डील कर रहे हैं, मतलब हम किस कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारी जो होम कंट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है, उस डोमेस्टिक कंट्री की, उस डोमेस्टिक या उस होम कंट्री की करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी बन जाएगी। तो अगर हम इंडियन है, हम तो इंडिया की बात करें, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी है। तो इट शोज द नंबर ऑफ इंडियन रुपी रिक्वायर्ड टू बाय अ करेंसी ऑफ अदर कंट्री। एक डॉलर को खरीदने के लिए हम अपने इंडियन रुपी कितने देने पड़ेंगे, हमें अपने 50 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये जो रेट एक्सचेंज हो गया, ये क्या निकल कर आ गया? एक्सचेंज रेट निकल कर आ गया कि रेट क्या हुआ, कितने के बदले में कितना हमें देना पड़ेगा। तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्री, करेंसी की एक्सटर्नल परचेजिंग पावर, कि हमारी करेंसी की कितनी पावर है। तो हमारी करेंसी की यहाँ पर 50 रुपीज के बदले में हम एक डॉलर उनका खरीद पाएंगे। तो इट ऑल्सो शोज और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट या रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी, करेंसी की परचेजिंग पावर, कि उसकी कितनी परचेजिंग पावर है, कि वो उसकी कितनी वैल्यू है दूसरी करेंसी को खरीदने के लिए। इट इज द रेट एट विच एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ नेशन आर वैल्यूड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम ये कह सकते हैं ये वो भी रेट होता है जिसके बेसिस पर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि हमें करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत कब पड़ेगी, हमें जरूरत तब पड़ेगी व्हेन वी आर डीलिंग इन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। जब हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की बात करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे होंगे, तब हमें करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत होगी, क्योंकि विद इन द कंट्री अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां तो हमारी इंडियन करेंसी यूजफुल है, बट अगर आउटसाइड द कंट्री हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये वो रेट है जो हमारा डिटरमाइन होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरीके का हो सकता है? थ्री टाइप्स का होगा ये हमारा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो तीन तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू। अब बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, यहाँ पर मार्केट फोर्सेज का कोई रोल नहीं होता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मार्केट फोर्सेज वर्क करती है, और हमारी दो मार्केट फोर्सेज होती है, डिमांड और सप्लाई। एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। यहाँ गवर्नमेंट का भी रोल होता है और मार्केट फोर्सेज भी यहाँ पर वर्क करती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो रेट सिस्टम होता है ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी विच इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी
इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. यहां पर करेंसी का एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट फिक्स करेगी. अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश द एक्सचेंज रेट. इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए. मतलब कितनी करेंसी के बदले में हमें कितनी करेंसी देनी पड़ेगी. द नंबर ऑफ यूनिट विच आर रिक्वायर्ड टू बाय अ पर्टिकुलर करेंसी ऑफ अ कंट्री. तो ये डिटरमाइन करेगी यहां पर गवर्नमेंट. अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ईच कंट्री मेंटेन्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेंटेन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सिल्वर और एनी प्रीशियस मेटल या करेंसी ऑफ अदर कंट्री. करेंसी ऑफ अदर कंट्री. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हर एक कंट्री अपनी करेंसी की सिस्टम अपनी करेंसी की वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड के टर्म्स में कि उनकी एक करेंसी के बदले में कितना गोल्ड आ सकता है. सिल्वर या कोई प्रीशियस मेटल या करेंसी ऑफ अदर कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में. मीन्स वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं एस्टैब्लिश करते हैं उन्हें कंपेयर करते हैं विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री और विद द गोल्ड. अब ये जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है बेटा ये भी दो तरह का होता है. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज and the second one was the Bretton Woods system. पहला है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. नाम से पता चल रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज मेंटेन्ड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. जिसमें करेंसी किसी भी कंट्री करेंसी अपनी वैल्यू को एस्टैब्लिश करके रखते हैं और गोल्ड को क्या मान लेते हैं वो कॉमन यूनिट मान लेते हैं. वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू होगी उसे कंपेयर करते हैं किससे? गोल्ड से. ईयर लिख लेते हैं इसका 1872-1914 तक हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड रेट चलता था. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इसके अंदर क्या होता था बेटा गोल्ड को कॉमन यूनिट माना जाता था. कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी मतलब कंपैरिजन के लिए. कंपैरिजन के लिए गोल्ड को यूज करते थे. हर एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करती थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और फिर वो गोल्ड की वैल्यू को कंपेयर करते थे. तो उससे पता चलता था कि एक कंट्री की करेंसी के बदले में दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी हमारे पास आएगी. हम उस कंट्री की कितनी करेंसी खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 euro इज इक्वल्स टू 2 gram ऑफ गोल्ड and $1 is equals to 1 gram of gold. अगर 1 euro की वैल्यू 1 euro is equals to 2 gram of gold. अगर 1 euro में हम 2 gram gold खरीद सकते हैं और $1 में 1 gram gold खरीद सकते हैं तो अगर आप euro और dollar को compare करोगे तो कैसे compare करोगे? Therefore, 1 euro is equals to $2. 1 euro किसके equal हो जाएगा? $2 के. Clear हुआ? 1 euro की वैल्यू कितनी हो गई? $2 हो गई. कैसे? 1 euro के बदले में हम 2 gram गोल्ड खरीद रहे हैं और $1 के बदले में 1 gram गोल्ड है. तो इसे इक्वल करना पड़ेगा ना गोल्ड को. तो इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से करोगे. तो $2 इज इक्वल टू 2 gram ऑफ गोल्ड. $2 के बदले में हम 2 gram गोल्ड खरीद सकते हैं. तो इसका मतलब 1 euro इज इक्वल टू $2. तो ऐसे कंपेयर होती थी करेंसी. देन नेक्स्ट है ब्रिटन गुड सिस्टम. ब्रेटन वुड्स सिस्टम हमारा चलता आया है 1945 से 1971. ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सचेंज रेट. ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एस्टैब्लिश करा गया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्लियर कट लाने के लिए. इस सिस्टम के अंदर क्या होता था? ऑल करेंसीज वर रिलेटेड टू US डॉलर विच अल्टीमेटली वॉज कन्वर्टेड इन टू गोल्ड.
हर एक कंट्री अपनी करेंसी को कंपेयर करती थी किससे, यूएस डॉलर से। तो ऑल करेंसीज वर रिलेटेड टू यूएस डॉलर। ऑल द कंट्रीज हैव टू कंपेयर देयर करेंसीज विद द यूएस डॉलर। सब कंट्री अपनी करेंसी को कंपेयर करती है किससे, यूएस डॉलर से। और यूएस डॉलर अल्टीमेटली कंपेयर इट विद द गोल्ड, और यूएस डॉलर अल्टीमेटली उसे गोल्ड से कंपेयर करके चलता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्कड एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग द सिस्टम। IMF जो है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टम जो है वो वर्क करता है यहाँ पर एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग द सिस्टम, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट होता था जिसमें गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती थी, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो गोल्ड को, करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, या फिर करेंसी की वैल्यू कन्वर्ट होने लगी किसमें, यूएस डॉलर में। और ये सारा काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। अब बात आती है इसके मेरिट, फायदे क्या है। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या रहती है, स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर देखेंगे तो डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहेगी, बट यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। जब मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके चलती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम्स कन्वीनियंट। स्टेबिलिटी होने की वजह से जब एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल रहता है तो पॉलिसी जो है वो कैसी हो जाती है, कन्वीनियंट। जो भी पॉलिसीज फ्रेम आउट होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड वो कन्वीनियंट रहती है, उनमें बार बार किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन से बच जाते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, अननेसेसरी अराइज होने वाले गेंस या लॉसेज। भाई जब डिमांड और सप्लाई चेंज होगी तो एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होता रहेगा, बार बार कम ज्यादा होगा तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज से बच जाते हैं। देन डीमेरिट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। अब इससे नुकसान क्या है, इट डज नॉट एनकरेज वेंचर कैपिटल। ये वेंचर कैपिटल को एनकरेज नहीं करता, मतलब फॉरेन कैपिटल को ज्यादातर एनकरेज नहीं करता। देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, मार्केट फोर्सेस से तो डिटरमाइन होता नहीं है, गवर्नमेंट अपने आप डिटरमाइन करती है, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी रहती है कभी कभी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और कभी कभी करेंसी की वैल्यू ज्यादा भी हम डिटरमाइन कर देते हैं, मीन्स अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व, और गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व यहाँ पर मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। जितनी करेंसी को वो एक्सचेंज कराने जा रहे हैं उतनी करेंसी की वैल्यू के उसे 100% रिजर्व क्या कराने पड़ेंगे, अपने पास मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल नाउन से पता चल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये चेंज होता रहेगा। चेंज कब होता रहेगा, व्हेन देयर इज अ रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। सो इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कह सकते हैं हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड by the forces of demand and supply. Demand और supply forces से ही हमारा exchange rate determine होता है। There is no government intervention, यहाँ पर government का किसी तरह का कोई intervention नहीं होता, government का किसी तरह का कोई role नहीं होता। Exchange rate simply determine करते हैं market forces पर, that is the demand and supply, and the exchange rate at which demand of foreign currency is equals to द सप्लाई। और एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगा, जिस पॉइंट पर हम बनाते थे इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हो डिमांड और सप्लाई से, तो जिस रेट पर डिमांड इक्वल होगी किसके, सप्लाई के, तो वो हमारा नॉर्मल रेट हो जाएगा या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। अब इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्यों कहते हैं, इसे फ्लेक्सिबल बेटा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट चेंजेस विद द चेंज इन मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली चेंज हो जाता है, बार बार चेंज होने वाला,
तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेंज होती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट भी चेंज होता है। देन व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्या फायदे हैं इसके? इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसकी वजह से हमारे पास करेंसी ना तो ओवर वैल्यू होती है ना ही अंडर वैल्यू होती है। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड 100% गोल्ड रिजर्व। गवर्नमेंट को यहाँ पर 100% गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भाई फिक्स के अंदर तो उसे मेंटेन करके चलना है, बट यहाँ पर उन्हें किस तरह का कोई गोल्ड रिजर्व मेंटेन नहीं करना होता। इट एनकरेजेस वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल को ये एनकरेज करता है, इस वजह से वेंचर कैपिटल भी बढ़ती है। द नेक्स्ट वॉज डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स, क्या नुकसान है? देयर इज नो स्टेबिलिटी, है स्टेबिलिटी नहीं होती। ये तो फ्लेक्सिबल है, ये बार बार चेंज होता रहेगा डिमांड और सप्लाई से। दिस डिस्करेजेस इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड डिस्करेज होता है, ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता क्योंकि एक्सचेंज रेट बार बार चेंज होता रहता है। फिक्स में स्टेबिलिटी रहती है, तो वहां पर एक्सचेंज रेट स्टेबल होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में इजी हैंडलिंग हो जाती है। यहाँ पर हैंडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट बार बार चेंज होगा। Then next is managed floating rate system. Managed floating rate system, it is a system in which foreign exchange rate is determined by the forces of demand and supply. एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे कौन? डिमांड और सप्लाई। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। And central bank stabilize the exchange rate in case of appreciation and depreciation of domestic currency. And central bank stabilize it. Central bank stabilize करेगा. Means government का भी role होगा और market forces का भी role होगा, दोनों तरफ से रोल होगा, गवर्नमेंट का भी मार्केट फोर्सेस है। मार्केट फोर्सेस से जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होकर आएगा और जो गवर्नमेंट का एक्सचेंज रेट होगा, दोनों को कंपेयर करके तब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ करेगा, जिससे नॉर्मल एक्सचेंज रेट और सेंट्रल बैंक के एक्सचेंज में ज्यादा रेट का डिफरेंस ना आए। सेंट्रल बैंक उसे स्टेबलाइज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस एज अ बल्क बायर एंड सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी। When exchange rate is high, the central bank starts selling foreign exchange from its forex reserves to bring it down and vice versa. क्या होगा बेटा? Central bank यहाँ पर as a bulk buyer और as a bulk seller foreign currency के लिए work करेगा। Foreign currency central bank खरीदेगा भी और foreign currency central bank बेचेगा भी, दोनों काम करेगा, खरीदने का भी और बेचने का भी foreign currency को। कब? When exchange rate is high, जब exchange rate हमारा high होगा तो central bank क्या करेगा? Start selling foreign exchange बेचना शुरू कर देगा from its forex reserve, अपने reserve में से बेचना शुरू कर देगा to bring it down and vice versa, जिस उसे कम करने के लिए central bank अपने reserve में से foreign currency को बेचना शुरू करेगा। जब foreign currency बेचना शुरू करेगा तो foreign currency ज्यादा हो जाएगी, economy में foreign currency ज्यादा हो जाएगी तो rate क्या हो जाएगा? Down हो जाएगा, ठीक है। It is done to protect the interest of importers and exporters. ये importer और exporters को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिससे importers और exporters को ज्यादा नुकसान ना हो। It is a system of adjustments in the exchange rate. Exchange rate में इसे adjustment का system भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे central bank adjustments करता है। It is also known as hybrid system between fixed and flexible exchange rate. इसे हम hybrid system भी कहते हैं। Hybrid system क्यों कहते हैं? Because it is a combination of fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. When a country manipulates the exchange rate by not following rules and regulations, then it is called as dirty floating. इसे dirty floating question आ सकता है बेटा यहाँ पे। Why managed floating rate system is known as dirty floating? Dirty floating क्यों कहा जाता है? जब country exchange rate system के rules and regulations follow नहीं करती, तभी dirty floating भी हो जाता है।
सेंट्रल बैंक फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट. सेंट्रल बैंक यहाँ पर एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा सेट फॉलो करते हैं, और वही फॉलो कंट्री को भी करना पड़ता है रूल्स और रेगुलेशंस को. और अगर कंट्री उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो उस टाइम पर उसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. अंडर फिफ्थ एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिफ्थ एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट देखो बेटा, सपोज ये डिमांड और सप्लाई आ रहे हैं, यहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये क्वांटिटी और ये हमारा एक्सचेंज रेट आर, ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया. और इस रेट पर हम ये कह रहे हैं $1 = 50 rupees. $1 किसके इक्वल है? 50 rupees के. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट हाई सेट कर दिया ज्यादा, तो उस पॉइंट पर ये क्वांटिटी आएगी और ये क्वांटिटी आएगी. एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने आर वन. एक्सचेंज रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, हमें अपनी कंट्री की करेंसी अब ज्यादा देनी पड़ेगी. तो अब $1 किसके इक्वल हो गया, सपोज 60 rupees के, है ना. एक्चुअल जो डिमांड और सप्लाई से इंटरसेक्शन कर रहे थे वो 50 से कर रहे थे कि $1 की वैल्यू 50 है, बट गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करा है वो कुछ ऊपर डिटरमाइन करा है, विच इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम रेट. इक्विलिब्रियम से कुछ ऊपर है वो एक्सचेंज रेट, और वो कितना ऊपर है, अब हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग $1 किसके इक्वल है, 60 rupees के. हमारे 60 rupees के इक्वल $1 है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, अब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, बताओ. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई. पहले हम अपने 50 rupees देते थे तो $1 खरीदते थे, अब हम अपने 60 rupees देंगे तो $1 खरीदेंगे, तो हमारी वैल्यू कम हो गई ज्यादा हो गई सर? कम हो गई. कम हो गई. हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो गई. पहले हम $1 के गुड खरीदते थे, उनसे ध्यान से समझो, पहले हम $1 के गुड खरीदते थे, 50 rupees देते थे, अभी भी $1 के गुड दे रहे हो, अब कितने रुपए दे रहे हो, 60 rupees. तो पहले 50 rupees जो काम करते थे वो कितने रुपए काम कर रहे हैं, 60 rupees. तो मतलब हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. दैट इज नोन एज डीवैल्यूएशन. इसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन. क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिड्यूस्ड और लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट. डीवैल्यूएशन का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कैसे होगी, बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को बढ़ा के. जब जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हमें अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ रही है, और हम ज्यादा करेंसी दे रहे हैं, डेट मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. और ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है. जब जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी, हमारी कंट्री की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू को कम कर देगी, तो उसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, ध्यान रखेंगे. ठीक है, then when exchange rate is set lower, अगर exchange rate lower यहां set हो जाए कहीं, अगर exchange rate कम हो जाए, पहले $1 50 के equal था, अब हमारा $1 40 के equal है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी country currency की value बढ़ गई. पहले हम 50 rupees देते थे, $1 के गुड खरीद के लेकर आते थे, अब 40 rupees दे रहे हैं, अभी भी $1 के गुड खरीद के लेकर
आ रहे हैं। तो पहले जो काम 50 रुपीज करते थे, अब वो काम कौन कर रहा है? 40 रुपीज। पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले जो काम 50 रुपए में होता था, आज वो काम कितने में हो रहा है? 40 में। तो इसका मतलब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो इसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन, इट इज नोन एज रिवैल्यूएशन। इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन। क्या मतलब होता है रिवैल्यूएशन का? व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट और इज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की टर्म्स में जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है बाय रिड्यूसिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को कम करके, तो उसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। तो दो टर्म्स है बेटा हमारे पास, डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। दो टर्म्स हैं, डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये ध्यान रखेंगे, ये गवर्नमेंट करती है। एक्सचेंज रेट किसने कम करा? गवर्नमेंट ने। एक्सचेंज रेट कम कर दिया तो मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अपोजिट चलेंगे, एक्सचेंज रेट कम कर दिया तो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो डीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये था हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? इक्विलिब्रियम रेट से या तो गवर्नमेंट ऊपर सेट कर देती है या उसे नीचे सेट कर देती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे सिलेबस में था पहले बेटा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में कैसे सेट होता है, जो इस बार हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है पोर्शन, जहां मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिटरमाइन करते थे। मार्केट फोर्सेस आप सभी को पता है, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से कुछ इस तरह बनाते थे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन। डिमांड चेंज होगी तो एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट क्या होगा, सप्लाई चेंज होगी तो एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट क्या होगा। तो वो वाला पोर्शन हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, होप इतना सबको क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।